अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालबात, मोहतरम असातिज़ा इकराम और न्यू नॉलेज अकेडमी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एनुअल एग्जामिनेशन 2021 में बच्चों की हेल्प के लिए हमने गेस की वीडियोस की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम बच्चों को पेपर पैटर्न, पेयरिंग स्कीम, गेस पेपर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, स्टडी स्कीम्स के बच्चे किस तरह से कम वक्त में अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और अच्छे नंबर ले सकते हैं, पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका, पेपर को रीड कैसे करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन, ये तमाम टॉपिक्स हम बच्चों को बता रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अहम वीडियो सीरीज़ है। आज की वीडियो 10th आर्ट्स के बच्चों के लिए है। अगर आज की वीडियो आपके लिए नहीं है तो आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दें, ताकि आपके ज़रिए से ये वीडियो 10th आर्ट्स के बच्चों तक पहुँच सके और आपकी वजह से उनका फ़ायदा हो सके। तो 10th आर्ट्स के स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने जनरल साइंस का पेपर पैटर्न और पेयरिंग स्कीम आपको बता दी हुई है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस वीडियो को लाजमी देख लें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को हम लॉन्ग क्वेश्चन का गैस बता चुके हैं और आज हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इनको नोट कर लें, स्क्रीन शॉट लेकर नोट कर लें इनको। अगर मैं तमाम क्वेश्चन रीड करूँगा तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको इन क्वेश्चन में से किसी की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये चैप्टर 7 एनर्जी है, डिमांड एंड यूज ऑफ एनर्जी इन डेली लाइफ, टाइप्स ऑफ एनर्जी लाजमी करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग के वाले से भी और शॉर्ट के वाले से भी। कोई सी भी 4 टाइप्स पे आपको नोट लिखने के लिए भी कह सकता है, कोई सी 2 टाइप्स का डिफरेंस भी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बहुत अहम है, आप इसको पहले तैयार करें। फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के ट्रेडिशनल वेज और नॉन ट्रेडिशनल वेज हैं। आपसे 2 ट्रेडिशनल वेज पूछ लेता है या 3 नॉन ट्रेडिशनल वेज पूछ लेता है। 2 ट्रेडिशनल वेज पूछने के साथ साथ कभी कभी वो आपसे किसी एक पर नोट भी पूछ लेता है, यानी हाइड्रो, थर्मल और न्यूक्लियर में से किसी एक पे आपसे वो नोट पूछ सकता है। नॉन ट्रेडिशनल जो वेज है उसमें सोलर और टाइडल इंपॉर्टेंट है, आप इनको करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अहम है इसलिए मैंने लिख दिया, हो सकता है कि आपको आ जाए। ये चैप्टर 8 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एसी एंड डीसी। एसी स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट करंट एंड डीसी स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट करंट। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको बता सकूं, यही क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले कर लें। फिर ये चैप्टर 9, इसके क्वेश्चंस ये नोट कर लें। और अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने अभी आपको बताने हैं और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का गेस भी देना है। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें, ताकि आपके गेस की कोई वीडियो मिस ना हो सके। और आप इस वीडियो को और चैनल की दीगर तमाम वीडियोज को अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिस तरह आप इन वीडियोज को देखकर इनसे फायदा हासिल करें, आपके क्लास फेलोज और फ्रेंड्स भी इन वीडियोज को देखकर इनसे कुछ सीख सकें और आपकी वजह से उनका भी फायदा हो सके। तो स्टूडेंट्स, ये आपके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जनरल साइंस के, आप इनसे जल्दी से तैयारी कर लें। मेरी दुआ है कि तमाम बच्चों के पेपर्स इंतहाई अच्छे हों और तमाम बच्चे इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। बिलखसूस जनरल साइंस के बच्चों को मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं, अल्लाह करे कि उनका पेपर इन्हीं क्वेश्चंस में से आए और उनका पेपर भी बहुत अच्छा और उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को, मेरे तमाम नाज़रीन को, पूरी उम्मत मुस्लिमा को दीनों दुनिया के तमाम इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब की बख्शिश और मगफिरत फरमाए, खात्मा बिल ईमान फरमाए। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।